नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयानों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पलटवार किया। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के कार्यों को लेकर जो हमला बोला था, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो बयान दिए थे, उस पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किरण सिंह देव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है, विकास कार्यवृत्त गति से किया जा रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बेवजह बातों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। 24 जुलाई को विधानसभा घेराव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो करना है करने दीजिए, जनता सब जानती है, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, भगवान के दर्शन करना भी किसी को आपत्ति लगती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसे जो समझना है समझे। रही बात सरकार की, सरकार पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है, सरकार बेहतर ढंग से चल रही है। पिछले 5 वर्ष कांग्रेस सरकार के कार्यकाल केवल भय, भ्रष्टाचार और आतंक का राज रहा, जिसके चलते जनता ने उन्हें नकारा है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लगातार घटनाएं घट रही है, सरकार इसके रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। आज दिन दहाड़े रायपुर जैसे राजधानी में गोलीबारी होती है, सरकार है कहां? हम पूछना चाहते हैं कि सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी अपराध रोकने में नहीं है, अब और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पूरी सरकार अयोध्या गई है और यहां गोलीबारी चल रही है। इसी मसले को लेकर हम लोग आने वाला समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा का 24 जुलाई को घेराव करने वाले हैं, ताकि छत्तीसगढ़ सरकार को कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, कम से कम लोगों में डर और भय का माहौल नहीं रहना चाहिए। गजब है भाई, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर में दर्शन करने जाना भी अब बड़ा कठिन हो गया है। तो भाई जो लोग नहीं जाते हैं वो लोग ना जाएं, लेकिन प्रभु श्री राम को पूरा देश मानता है। अगर आप नहीं मान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मान रहे हैं वो तो उनके दर्शन के लिए जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी होनी चाहिए। बहुत अच्छे से सरकार भी चल रही है, बहुत विकास के काम तेजी से आ भी रहे हैं। अभी कोई एक घटना को लेकर आप पिछले 5 साल का हिसाब जो अपराध का गढ़ बन गया था उसका कौन देगा।